गुड मॉर्निंग साथियों, आज आलू की हार्वेस्टिंग का है दूसरा दिन। कल भी आलू उखाड़े थे और आपको बता देता हूँ, कल हमने उखाड़े थे 58 कट्टे आलू के थे। कुछ से 15-16 कट्टे बीज के थे, जो छोटे वाले होते हैं ना वो बीज के रख लेते हैं, लेकिन जो मंडी के बिक्री के थे वे थे 58 कट्टे। और एक कट्टे का वज़न जो होता है वो होता है 50 से 55 किलो के बीच में। और कल की भाव की बात करें तो भाई 14 रुपये किलो मंडी में लगा था। शाम को 7:30 बज गए थे, लेट हो जाते हैं क्योंकि बिक तो जल्दी जाते हैं, जो तुलाई होती ना वो पारी वो लेट करवाता है। तो भाई ये लगा लो 14 रुपये किलो, 55 किलो एक कट्टे का वज़न मानते हैं, तो 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके वज़न के हिसाब से, तो लगभग 40 से 44 हज़ार का कल का वार हुआ है। और 4 दिन इसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तो आज और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मोबाइल साइड में रख देते हैं। आलू की चुगाई करनी पड़ती है, कट्टे सीमने पड़ते हैं, डलवाने पड़ते हैं, काफ़ी काम हो जाता है। तो थोड़े बहुत आप वीडियो देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो हमारे आलू की हार्वेस्टिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको खेत में दूसरे दिन की हार्वेस्टिंग। आलू उखाड़ने के लिए भाई सबसे जो आवश्यक चीज़ होती है वो आपको दिखा देता हूँ। पहले तो भाई पानी चाहिए होता है, पानी एक कैनी आ गई है, जितने भी आलू उखाड़ने के लगते हैं, बार बार प्यास तो लगती है, धूप ज़्यादा होती है, पानी चाहिएगा। और ये घड़े में डाल देते हैं इस प्रकार से, मिट्टी का घड़ा है। और फिर चाहिएगा आलू उखाड़ने के लिए भाई बाल्टी, कम से कम 8-9 बाल्टी है। इसमें आलू डाल डाल के फिर इस प्रकार से बोरी के जूट वाले कट्टे चलेंगे, ये कट्टे चाहिएंगे, लहरा के कट्टे, एक सुआ और ये रस्सी इसका मोह सीमने के लिए, और हाथों में डालने के लिए ग्लव्स मैंने कल आपको दिखाए दिए थे। और आज है दूसरा दिन, अभी ट्रैक्टर आने वाला है आलू उखाड़ने के लिए। और लो भाई दूसरे दिन की हार्वेस्टिंग देख सको हो, दमदार आलू निकल रहे भाई, दमदार। एक बार सारे नहीं उखाड़ते भाई आलू, थोड़े थोड़े करके उखाड़ते हैं क्योंकि भाई धूप में फिर ये गर्म हो जाए हैं। आलू में कोई कमी नहीं है भाई, भरमार आलू की, टॉप क्वालिटी का आलू निकल रहा है, ना तो साइज़ ज़्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है, मीडियम साइज़ का है।